टू द न्यू टिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं करूंगी कंपैरिजन हमारे दो बहुत ही पॉपुलर डिवाइसेस के बीच। पहला है हमारा iQOO 3 और दूसरा है हमारा Realme का X50 Pro। दोनों ही डिवाइसेस को अगर हम देखें तो हमारे बहुत ही कॉस्टली डिवाइसेस थे, लेकिन आज के डेट में ये दोनों डिवाइसेस आपको जबरदस्त ऑफर में मिल रहे हैं। मतलब 25,000 के नीचे के बजट में दोनों मिल जाते हैं 865 प्रोसेसर के साथ। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो कौन से फोन के लिए आपको जाना चाहिए, कौन सा फोन आपके लिए रहेगा बेस्ट, आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं सब कुछ बताऊंगी आपको कि दोनों फोन्स में हमारा कहां कहां डिफरेंस आता है। वैसे अगर जनरली बात करें तो दोनों डिवाइसेस के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है, और अगर आप सोच रहे हैं दोनों में से एक भी फोन लेने का तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। के 5G सपोर्ट के बारे में, अगर हम 5G सपोर्ट की बात करें तो Realme X50 Pro के अंदर आपको 5G सपोर्ट मिलता है, लेकिन iQOO 3 के अंदर नहीं मिलता। iQOO 3 में जो हमारे टॉप वेरिएंट्स आते थे उसके अंदर आपको 5G सपोर्ट मिलता था, इसमें नहीं है 25,000 रुपए के बजट में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे हमें दोनों के अंदर ही मिल जाता है Qualcomm Snapdragon का 865 प्रोसेसर, जिसमें आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर मतलब पावरफुल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में हमारा iQOO 3 जो है वो बेटर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो स्टोरेज मिलती है वो थोड़ी और बेटर है। आपको मिलती है iQOO 3 के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज और उसके साथ LPDDR5 की रैम, और ये जो है हमारा Realme X50 Pro इसके अंदर आपको UFS 3 की स्टोरेज मिलती है और LPDDR5 की रैम मिल जाती है। दोनों के एंटीटू स्कोर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा iQOO 3 है इसका स्कोर हमारा 5,85,000 आता है और Realme का हमारा स्कोर है 5,68,000। दोनों के अगर हम स्टोरेज टेस्ट की बात करें तो यहां पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि रीड स्पीड में सबसे पहले डिफरेंस iQOO के अंदर हमें मिलती है 1750 की, और उसके अंदर हमें 1650 की स्पीड मिल रही है, और राइट स्पीड के अंदर भी iQOO की स्पीड जो है वो हमारी 730 के आसपास आती है और Realme की स्पीड हमारी 690 के पास आती है। तो जो थोड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो हमारी स्टोरेज टाइप के ऊपर डिपेंड कर जाता है। हालांकि इसके साथ अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको Realme के अंदर मिल रहे हैं। मतलब अभी भी मैंने डिवाइस को सारे अपडेट्स चेक करे, लेकिन आपके पास iQOO 3 के अंदर अभी भी Android 10 है, और ये जो है हमारा Realme का X50 Pro इसके अंदर Android 11 का अपडेट आ चुका है। मतलब अगर हम दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो iQOO की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगेगी। मतलब अपलोडिंग टाइम अगर हम देखें, बूटअप टाइम देखें, हर चीज में थोड़ा सा ये बेटर लगेगा आपको Realme के कंपैरिजन में, लेकिन Realme यहाँ पे आपको जो यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है वो ज्यादा बेटर दे रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो गेमिंग में आप दोनों डिवाइसेस के अंदर बड़ी गेम्स खेल सकते हैं, उनको ग्राफिक्स को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी गेमिंग एक्सपीरियंस आपका Realme के अंदर ज्यादा स्मूथ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जिससे कि आपको हाई ग्राफिक्स में भी काफी स्मूथ यहाँ पे एनिमेशन एक्सपीरियंस होंगे। इसके अलावा अगर हम दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले साइज की बात करें तो दोनों के अंदर आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर आपको दोनों में ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, और इसके साथ दोनों के अंदर आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है। डिस्प्ले आपको वैसे तो दोनों का ही ब्राइट लगेगा, कलरफुल लगेगा, बढ़िया तरीके से आप इंजॉय कर पाएंगे मूवीज वीडियोस में, व्यूइंग एंगल्स दोनों के हमारे काफी अच्छे निकल के आते हैं, लेकिन बस डिफरेंस यही आता है डिस्प्ले में कि इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और इसमें हमारा 60 हर्ट्ज। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं ऑडियो आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे Realme के अंदर ऑडियो आउटपुट आपको काफी बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि हमें इसके अंदर मिल जाती है हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं Dolby Atmos साउंड के साथ, और यहाँ पे हमें जो iQOO 3 है इसके अंदर 25,000 रुपए के बजट में हमें सिंगल स्पीकर मिलता है, जो कि इसके कंपैरिजन में इतना बढ़िया नहीं है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं दोनों ही डिवाइसेस के सैंपल। ऑडियो में तो हमारा Realme जो है वो विनर बन जाता है। अब इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं दोनों डिवाइसेस की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे हमारे जो iQOO 3 है इसका बैटरी बैकअप हमारा बेटर निकल के आता है। इसके अंदर हमें मिलती है 4440 mAh की बैटरी और इसके अंदर हमें मिलती है 4200 mAh की बैटरी, लेकिन चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो Realme की चार्जिंग आपको ज्यादा बेटर मिल जाती है। मतलब इसके साथ हमें मिलता है 65 वॉट का फास्ट चार्जर और iQOO 3 के साथ हमें मिल जाता है 55 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि वैसे भी देखा जाए तो फास्ट तो है, लेकिन इसके
पता नहीं है, मतलब ये 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो बहुत ही फास्टली डिवाइस को हमारे चार्ज कर देती है। अब आगे अगर हम बात करें दोनों डिवाइसेस के कैमरास के बारे में तो यहाँ पे आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको सेटअप बताती हूँ। मेन कैमरा जो है वो आईक्यू के अंदर है हमारा 48 मेगापिक्सल का, उसके अंदर आपको IMX582 सेंसर मिलता है, 13 का टेलीफोटो है, 13 का वाइड है, 2 का हमारा बुके है और 16 का हमारा सेल्फी कैमरा है जिसके अंदर आपको सैमसंग का सेंसर मिलता है। इसके बाद जो हमारा रियलमी है इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है बैक में GW1 सेंसर के साथ, 12 का टेलीफोटो, 8 का हमारा मैक्रो और वाइड का कॉम्बिनेशन है और 2 मेगापिक्सल का हमारा बुके लेंस। इसके अलावा सेल्फी कैमरा के अंदर आपको मिल जाता है 32+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा जिसमें आपको सोनी का IMX616 सेंसर मिल जाता है। कैमरा के अंदर यहाँ पे सैंपल्स आप देख सकते हैं कि दोनों ही डिवाइसेस के अंदर आईकू के अंदर जो हमें डिटेलिंग मिल रही है उसके अंदर थोड़ी आपको कमी देखने को मिलेगी और कलर्स और कंट्रास्ट को काफी ज्यादा ओवर बूस्ट किया हुआ है। पुराना सेंसर है हमारा तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस जो इतनी बढ़िया निकल के नहीं आ रही, लेकिन रियलमी का हमारा सेंसर काफी बेटर है जिसके अंदर आपको काफी क्रिस्प शॉट यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्यूरेट नेचुरल कलर्स के साथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे वाइड एंगल के पिक्स, उसके साथ आप देख सकते हैं हमारी टेलीफोटो पिक्स जिसके अंदर आपको काफी ठीक लगेगी दोनों की ही डिटेलिंग, और रियलमी के अंदर आप 5x तक जूम कर सकते हैं जिसमें आपको 5x में भी काफी अच्छी डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेल्फी कैमरा के पिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल मोड है या हमारा बुके मोड है उसके अंदर हमारी डिटेलिंग, स्किन टोन, कलर इतने अच्छे नहीं आ रहे आईकू के जितने हमारे रियलमी के बेटर आ रहे हैं। साथ ही जो हमें 8 मेगापिक्सल की वाइड सेल्फी लेने की ऑप्शन मिलती है वो तो और बढ़िया है, आप अपने पूरे ग्रुप फोटोग्राफ्स आराम से ले सकते हैं, ग्रुप सेल्फीज आराम से ले सकते हैं, ये चीज तो बढ़िया है। तो कैमरा में तो दोनों में से हमारा रियलमी जो है वो काफी बेटर है, आपको काफी बढ़िया पिक्स मिल रही है फ्रंट एंड बैक दोनों में ही। अब इसके साथ आगे अगर हम बात करें दोनों डिवाइसेस के डिजाइन एंड बॉडी के बारे में तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको मिल जाती है ग्लास बॉडी और उसके साथ मेटल फ्रेमिंग जिससे कि दोनों डिवाइसेस आपको प्रीमियम फील देंगे हाथ में होल्ड करने में और आपको सॉलिड लगेंगे। और साथ ही आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर डिजाइन में यहाँ पे देख सकते हैं कि आईकू के अंदर हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर है जिसके अंदर हमारे पास पर्पल का यहाँ पे टिंट आ रहा है, देखने में काफी स्टाइलिश सा लग रहा है हमारा डिवाइस, और जो रियलमी इसके अंदर मेरे पास ग्रीन कलर है जिसके अंदर मैट फिनिश आ रही है और ये भी सोपर लुकिंग डिवाइस लग रहा है। और मेरे हिसाब से लुक पे तो आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा डिवाइस पसंद आता है, मुझे जनरली देखा जाए तो आईकू की लुक ज्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोनों डिवाइसेस के अंदर प्रोटेक्शन के बारे में तो रियलमी के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में, और ये जो है हमारा आईकू 3 इसके अंदर बैक में हमें गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है और फ्रंट में शॉट सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो प्रोटेक्शन दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा बढ़िया चीज ये है कि जो हमारा रियलमी है इसके अंदर आपको स्प्लैश प्रूफ डिजाइन मिल जाता है जैसे कि अगर हल्का फुल्का पानी इसके ऊपर गिर जाता है एक्सीडेंटली तो डिवाइस आपका खराब नहीं होता, ये चीज भी एक बढ़िया है इस डिवाइस की। तो गाइस ये थे हमारे दोनों डिवाइसेस जिनके अंदर अगर देखा जाए तो क्लियरली रियलमी जो है वो हमारा विनर निकल के आता है। रियलमी X50 Pro के अंदर आपको काफी चीजें बढ़िया मिल जाती हैं आईकू के कंपैरिजन में, मतलब अगर हम कैमरा देखें फ्रंट एंड बैक दोनों ही बेटर निकल के आ रहे हैं रियलमी के। उसके बाद आपको डिस्प्ले जो है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाता है जो कि बेटर आपको स्मूथनेस एक्सपीरियंस देगा। उसके साथ अपडेट आपको मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिल गया है, वहां पे अभी तक नहीं आया है। उसके बाद आपको 5G सपोर्ट भी मिल रहा है जिससे कि डिवाइस आपका फ्यूचर प्रूफ हो जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यहाँ पे आपको इस डिवाइस में मिल रही है। इसके बाद ऑडियो आउटपुट जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो भी आपको इस डिवाइस में ज्यादा अच्छा मिल रहा है आईकू के कंपैरिजन में। सो मेरे हिसाब से क्लियरली विनर निकल के आता है हमारा रियलमी X50 Pro और आप इस डिवाइस के लिए जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों डिवाइसेस खरीदने का लिंक दिया हुआ है, अगर आपको ढूंढने में टाइम ना लगे तो जल्दी से वहां पे चेक करके ले सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब क्योंकि आगे आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस आते रहेंगे।